क्या संजय दत्त कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं? वेल, एक रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि संजय दत्त लंग कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो बहुत जल्द अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहे हैं। संजय दत्त के एक क्लोज फ्रेंड ने इस रिपोर्ट में रिवील किया है, बाबा इज डेविस्टेटेड, ही हैज लिटिल चिल्ड्रन, फॉर्चुनेटली दे आर इन दुबई राइट नाउ विद देयर मदर, बट ब्रेकिंग दिस ऑफुल न्यूज टू देम वुड बी एन ऑर्डील। Though Dutt is pretty shaken, he is also certain of being cured, says the friend. It is curable. He needs instant and rigorous treatment, for which he leaves immediately. सोर्स के हवाले से कहा गया है, इस न्यूज से संजय दत्त इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे सेलेब्स का फोन तक नहीं उठाया है। इसलिए संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है कि वो काम से ब्रेक लेकर अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वो अननेसेसरी स्पेक्यूलेशन ना करें। संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हाय फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट। माई फैमिली एंड फ्रेंड्स आर विथ मी एंड आई अर्ज माई वेल विशर्स नॉट टू वरी और अननेसेसरली स्पेक्यूलेट। With your love and good wishes, I will be back soon. Sanjay Dutt ke is message ke post karte hi unke hazaron fans social media par unki jald recovery ke liye wishes bhejne lage. Ek user ne likha, My love and good wishes with you, Baba. I am sure you will be back with more power and strength. Wahi ek user ne likha, Sir, aap mere favorite actor ho bachpan se. Fikar to hogi. Ek user ne ye bhi likha, Get well soon, sir. Come back strong. Take care of yourself. We will wait to see you soon, Sanju Baba, aka Deadly Dutt. Saaf hai, fans hai worried. Lekin Sanjay Dutt ne clear kar diya hai ki wo recover hokar jaldi lautenge. I would just like to say that where I stand today, it's only because of the people of this country. I'm grateful to them for their love and affection. I am Sanjay because of them. They have made what I am. What I am today. And I thank them for the support, the love. And that's really... Sanjay Dutt was admitted to Leelavati Hospital in Mumbai last week after he complained of difficulty in breathing. He had tested negative for pandemic-related virus. On August 8th, soon after hospitalization, he had issued a statement on Twitter assuring his followers that he is doing well. वैसे संजय दत्त के बीमार होने की न्यूज से इंडस्ट्री को लग सकता है झटका, क्योंकि उन पर इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो उनमें शामिल है सड़क 2, जिसकी शूटिंग वो पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा संजय दत्त शमशेरा, तोरबाज, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों में शामिल है। इसके अलावा रिपोर्टेडली संजय दत्त ने 5 और फिल्म्स साइन की हुई है, जिसकी डिटेल अभी सामने आना बाकी है। साफ है संजय दत्त के ऊपर इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। ऐसे में संजय दत्त के प्रोड्यूसर्स भी उनकी जल्द रिकवरी के लिए प्रेयर्स करेंगे। वैसे संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 रिलीज से पहले जबरदस्त कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। दरअसल इस फिल्म के भट्ट से एसोसिएशन की वजह से सोशल मीडिया पर इस फिल्म को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यूजर्स ने कहा है कि वो इस फिल्म को पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे।